लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिचुएशन इन असम हैज टर्न्ड एक्सट्रीमली ग्रिम। अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। अमिताभ की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, उनके फेफड़े में कफ कम हुआ है। अमिताभ बच्चन और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव है, क्या आप सब जानते हैं? यस ऑफ कोर्स आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कंट्री का एक पार्ट असम किस दौर से गुजर रहा है? नहीं, आप ये नहीं जानते, क्योंकि जिसे ये चीज दिखानी चाहिए वो काफी बिजी है। बच्चन फैमिली टाइम से खाना खा रही है कि नहीं? क्यों वो ये नहीं समझते कि असम में हर साल फ्लड के वजह से हजारों जानवर और सैकड़ों इंसान मरते हैं? बच्चन परिवार की जान और उन हजारों परिवारों की जान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ये नहीं समझेगी, क्योंकि असम में मरने वाले लोग सेलिब्रिटी नहीं है ना। बच्चन परिवार मुंबई के टॉप हॉस्पिटल्स में से एक में एडमिट है, उन्हें वहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स उनकी सेवा कर रहे हैं। डू वी रियली नीड टू वरी अबाउट हिम? नो, बट वी नीड टू वरी अबाउट असम एंड इट्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज असम इज मच मोर देन जस्ट असम की चाय। पर हमारे न्यूज चैनल्स को तो इस बात की ज्यादा पड़ी है कि तैमूर अली खान अपने बाल किस तरह संवारता है। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ होगा जब असम या बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई बड़ी घटना घटी हो और हमने उस घटना को टीवी पे देखने के लिए न्यूज चैनल लगाया हो, लेकिन हर बार हमें निराशा से टीवी चैनल बंद ही करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा अपने देश के साथ बराबर खड़ा है, लेकिन अपने देश ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ही किया है। 5.5 स्केल अर्थक्वेक हैपेंड इन मणिपुर, बट हार्डली इसकी कोई न्यूज बनती है। वहीं अगर दिल्ली में 2.2 स्केल का भी भूकंप आ जाए तो मीडिया लूजेज इट्स कूल, ऐसे पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई हो। इंडियन मीडिया का असम और नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रेकरेंस। असम में हर साल फ्लड्स होना एक रेकरिंग इवेंट है, इसीलिए शायद इसको उस लेवल की न्यूज स्पेस नहीं मिल पाती। सेकेंड रीजन कुड बी द साइज ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये न्यूज किस तरह का इम्पैक्ट देगा पूरे देश में। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज द ऑडियंस। हमारे न्यूज चैनल्स वही न्यूज दिखाना चाहते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं। किस न्यूज को कितना अटेंशन ऑडियंस से मिलता है ये भी मायने रखता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ये पॉइंट्स दिल्ली या मुंबई के लिए होते तो भी क्या मीडिया ऐसे इग्नोरेंट होती? 100 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जगह अपने घर से डिस्प्लेस हो गए। 100 जानवरों की डेथ के साथ 8 रेयर राइनोज भी बाढ़ का शिकार हो गए। 55 लोग डूबने से 8 लोग बिजली गिरने से मरे। लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो अमिताभ बच्चन के नहाने सोने और खाने पीने के रूटीन उन सैकड़ों लोगों की जान से ज्यादा जरूरी समझते हैं। इंडियन मीडिया, योर कवरेज कुड बी रियली यूजफुल फॉर असम। अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम योर साइड कैन रियली सेव मेनी लाइव्स। बट नो, यू आर टू बिजी कवरिंग अमिताभ बच्चन एंड तैमूर अली खान स्टोरीज। ये बिहेवियर हमारे साथ सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से, इनफैक्ट कई डेकेड से हो रहा है, और इस बात को चाइना ने भी कबूल किया। चाइना ने 2014 में खुद ये बात कही कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट इज इग्नोर्ड बाई मीडिया, गवर्नमेंट एंड इवन फ्रॉम आवर फेलो इंडियंस। गाइज, योर फेलो इंडियंस आर इन पेन, योर फेलो इंडियंस आर डाइंग। जिस तरह आप केरला के फ्लड्स के लिए खुल के डोनेट करते हैं और मुंबई की बारिश के लिए वरिड रहते हैं, प्लीज़ आप वही इमोशंस असम के लिए भी रखिए। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि ये वीडियो हर इंडियन के पास पहुंचे और उसे पता चले कि असम इज़ इन पेन, असम नीड्स यू। थैंक यू।